पुलिया के निर्माण को लेकर मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर के नेतृत्व में किया ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन। विकास खंड भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत सेहल के ग्रामीणों का उस वक्त दर्द छलक उठा जब वार्ड नंबर 51 के प्रत्याशी पूर्व जेल विजिटर मुरादाबाद ग्रामीणों का हालचाल जानने के लिए सेहल पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि यह रास्ता लगभग 20 से 25 गांवों को जोड़ता है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पुलिया न होने के कारण बरसात का पानी यहां जमा हो जाता है और आने जाने में काफी परेशानी होती है, जिसके कारण छोटे किसानों के पानी रुकने से खेतों में होने वाली फसल को भी भारी नुकसान होता है, जिसकी शिकायत कई बार प्रशासनिक अधिकारियों से भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। वहीं वार्ड नंबर 51 के जिला पंचायत सदस्य पद के दावेदार एवं पूर्व जेल विजिटर कारागार मुरादाबाद मोहम्मद इदरीस का कहना है कि हम इस पुलिया को लेकर जिला अधिकारी व पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से बात करेंगे। मोहम्मद इदरीस ने आगे बताया कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम तत्पर तैयार हैं। यदि पुलिया का निर्माण तत्काल नहीं किया जाता है तो भारी संख्या में इसका आंदोलन करेंगे, जिससे किसानों को बर्बाद हो रही फसल को रोका जा सके और आने जाने वाले राहगीरों की समस्या भी न हो। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्दी ही पुलिया का निर्माण कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। एक तरफ तो सूबे की सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो धरातल पर देखने को कम ही मिलता है। काफी लंबे समय से पुलिया के निर्माण न होने के कारण और पानी की निकासी न होने के कारण किसानों को काफी भारी नुकसान झेलना पड़ता है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिया का निर्माण होता है या यूं ही ग्रामीणों को परेशानी झेलनी पड़ती रहेगी। टुडे 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज इस समय हम यहाँ मौजूद हैं ब्लॉक भगतपुर टांडा की सेहल ग्राम पंचायत में। यहाँ हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे रास्ते पर जहाँ से चारों ही तरफ रास्ता निकलता है, उस तरफ भी कई गांव लगते हैं और इस तरफ भी कई गांव लगते हैं। बीच में आप देख रहे हैं कि खेती यहाँ लोगों की होती है, दोनों ही तरफ खेतों का रास्ता भी जा रहा है। जहाँ पर ये जो रास्ता अभी इस समय हम खड़े हुए हैं, यहाँ इस रास्ते की हालत देखने लायक है, काफ़ी जो है खस्ता हालत है। यहाँ एक पुलिया के निर्माण की बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। ग्रामीणों का कहना है कि काफ़ी परेशानी उन्हें, अभी तो आप देख रहे हैं कि ये रास्ता पूरी तरह से सूखा हुआ है, चल फिर रहे हैं लोग, निकल भी रहे हैं, लेकिन अंदाज़ा लगाइए कि बरसात के समय में इस रास्ते की क्या हालत होती होगी। चारों ही तरफ पानी भरकर खड़ा हो जाता है, जिससे न केवल लोगों को आने और जाने में परेशानी होती है, बल्कि यहाँ लोगों का कहना है कि इस पानी से जब यहाँ भर जाता है और पीछे का पानी रुक जाता है तो उससे लोगों की खेती को भी काफ़ी नुकसान होता है। गरीब किसान की खेती को नुकसान होने का मतलब उसकी सारी साल भर और 6 महीने की फसल का नुकसान। अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस एक छोटे से रास्ते से जहां पुलिया निर्माण की आवश्यकता है, कितने लोगों का भला हो सकता है अगर इसका निर्माण करा दिया जाए। हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मोहम्मद इदरीस साहब, पूर्व जेल विजिटर हैं, ये जिला कारागार हैं। यहाँ आज इस समस्या को देखने के लिए आए हैं, दौरा कर रहे हैं, और किस तरह का समाधान और किस तरह का आश्वासन ग्रामीणों को यहाँ देंगे, ये समस्याओं को सुना है, जाना है। आइए हम इनसे भी जान लेते हैं और गांव वालों से भी जान लेते हैं कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने इस रास्ते को लेकर के आती हैं। जी सर, क्या आप यहाँ पर सेहल में आए हैं, आपका दौरा है, तो क्या समस्या देखी आपने यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण? ये मैं जो है ब्लॉक भगतपुर टांडा की ग्राम पंचायत सेहल में हम खड़े हैं इस समय, और ये जो पुल रास्ता जो है ये पीपलसाना से लेकर जो है और ये यहाँ से ताजपुर तक बीजने तक निकलता है। ये समाजवादी पार्टी की हमारी सरकार ने इसको स्वीकृत किया था, कई करोड़ों रुपए इस पर लागत लगी थी जी, उसको जो है बनाया था। इसके लिए यहाँ से कम 20-30 गांव का तमाम लोगों का यहाँ से गुजरना होता है, और अगर यहाँ पानी पड़ जाता है तो यहाँ आदमी भी डूबने लगता है। आपने कहा कि इस रास्ते की स्वीकृति हो चुकी थी, कई करोड़ों की लागत भी लग चुकी थी, तो उसमें क्या हुआ? बन चुका है, ये पीछे पुलिया बनने से रह गई है, शायद कुछ इसमें जो है कमी रही होगी ठेकेदार के किसी उसकी रही होगी। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पीछे मुरादाबाद के एक हमारे सज्जन हैं और हमारे लालू वाला के जो है साबिर भाई हैं, उन्होंने मिलकर कुछ यहाँ पर लोगों से पैसा कुछ उन्होंने दिया और उन लोगों ने यहाँ मिट्टी डालकर ये खरंजा, ये जो रोड़ा देख रहे हैं आप, ये उन लोगों ने डलवाया था, जिससे आदमी और हम और आप निकल रहे हैं आज दिखाई दे रहे हैं। वरना यहाँ इतना गड्ढा था, यहाँ 15 फुट गहरी, यहाँ बाढ़ आती है, बाढ़ से यहाँ 15 फुट गहरा गड्ढा हो गया था। आसपास के क्षेत्र के लोगों का यहाँ निकलना दूभर हो चुका है। इसी मुद्दे को लेकर मैंने उच्च अधिकारियों से और मांग की है इसको बनाने के लिए। ब्लॉक भगतपुर टांडा की जो हमारी अभी जो है मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने इसका प्रस्ताव रखा है इसको बनाने के लिए। इसी को लेकर मैं आज क्षेत्र के गांवों में जो है
था, इसी मुद्दे को लेकर मैंने अधिकारियों से। आपको क्या लगता है इस मुद्दे का समाधान हो पाएगा, और हो पाएगा तो कब तक हो पाएगा? क्या मैं आपके चैनल के माध्यम से उच्च अधिकारियों को ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये मुद्दा जनता का हित का है और ये जनहित में बनना चाहिए, अगर ये रोड नहीं बने, ये पुलिया नहीं बनेगी, तो इसके लिए मेरी टीम और मैं जब तक आंदोलन करते रहेंगे, जब तक कि ये पुलिया बन नहीं जाएगी, हम अपना आंदोलन रोकेंगे नहीं। चाहे यहाँ से जिला स्तर पे हमें आंदोलन करना पड़े, ब्लॉक विकास खंड पे करना पड़े, चाहे कहीं भी करना पड़े, मैं इसके लिए तैयार हूँ। और हमेशा मैं जनहित के कार्य करता हूँ, समाज सेवी हूँ, समाज से जुड़ा हूँ। और मैं ये मुद्दा जब उठाने के लिए आपके सामने आज आपने रखा है, तो मैं इसके लिए तन मन से बिल्कुल तैयार हूँ। और ये जब तक बन नहीं जाएगा, इस पर रोड और पुलिया का इसका निर्धारण नहीं हो जाएगा, जब तक मैं अपने आंदोलन करता रहूंगा। कोशिशें आपकी जारी रहेगी? मेरी कोशिश बराबर रहेगी जब तक ये बन नहीं जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा लीलावती। लीलावती जी, क्या कहना चाहती हैं इस रास्ते को लेकर, किस तरह के नुकसान यहाँ होते हैं? मेरी बहुत, हम इस गांव की खेती मारी, जो आसपास के गांव हैं बहुत खेती मारी जाती है, पानी की कहीं को भी निकलने की कोई सुविधा नहीं है, इसलिए बाढ़ बहुत ज़्यादा आती है। हम लोग हैं गांव बहुत परेशान है निकलने की, जब चमासे में तो बिल्कुल रास्ता कहीं मिलता ही नहीं, ढोर जो पशु हैं वो भी चारे से परेशान हो जाते हैं। खेती को नुकसान होता है यहाँ से? बहुत खेती का नुकसान हो जाता है ऐसे। तो क्या चाहती हैं आप, क्या समाधान होना चाहिए? ये कहना चाहती हूँ पुलिया बननी चाहिए, यहाँ का पानी का रास्ता होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रऊफ है और मैं लालू वाले के निवासी हूँ। लालू वाले के निवासी हैं, जो इसी रास्ते से होकर के गांव आता है। हाँ हाँ। तो इस रास्ते को लेकर के क्या परेशानी है आपकी? किस तरह इस रास्ते से लगभग 20 से 30 गांव का रास्ता है, और थोड़ा सा ही पानी पड़ जाता है तो हम लोग निकल नहीं पाते हैं। काफ़ी दूधिया भी यहाँ से जाते हैं, तो उन्हें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जी। तो इस रास्ते को लेकर के कभी कोई कोशिश की है? आप युवा हैं और जो गाँव को जोड़ने वाला ये मेन रास्ता है, बीच में पुलिया का निर्माण, इस रास्ते को लेकर अभी तक तो कोई कोशिश नहीं हुई। अभी गाँव के मौजूद आदमियों ने जो है इस पे इदरीस भाई ने ये रोड़ा डलवाया था जी। और यही इसके लिए लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं जी जी। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो समस्या है इसका समाधान हो जाएगा? हाँ, मुझे लगता है इदरीस भाई हैं तो इसका समस्या का समाधान हो जाएगा, होना चाहिए। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश जी, कहाँ के निवासी हैं आप? सेहल निवासी जी। क्या समस्या है इस रास्ते को लेकर, किस तरह की समस्याएं आती हैं यहाँ सामने? गांव के अंदर बहुत समस्या है, सबसे मेन जो इलाका हमारा बाढ़ पीड़ित का इलाका है, और गन्ना की खेती सबसे ज़्यादा है हमारे यहाँ, और इसमें आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जब बाढ़ आ जाती है तो। और ये कई गाँव को जोड़ता है ये रास्ता हमारे यहाँ, जो कि लालू वाला है, भोपुर है, तिगरी है, और सेहल है, राजा वाला मजरा, तिलोकपुर, कई गाँव लगते हैं, 10-12 गाँव इस पुलिया का क्षेत्र है। तो यहाँ पर क्या लगता है आपको, किस तरह का समाधान होना चाहिए इसका? ये निर्माण होना चाहिए इसका, पुलिया का। कितने सालों से ये रास्ता है, ये इसकी तो हालत कब से है? कम से कम कई साल से, 6-7 साल हो चुके हैं इसमें, और ये कई कोई करा ही नहीं पाया इस काम के लिए। तो अब आपको क्या लगता है कि इस रास्ते से कोई उम्मीद आपको लगती है कि अब आने वाले समय में ये हो पाएगा? मोहम्मद गिरी जी से उम्मीद लगती है कि ये रास्ते के भरोसा कर रहे हैं उन पर, हम ये इस बार हो जाए। जैसा कि आपने देखा, यहाँ ग्रामीणों से हमने बातचीत की है और जाना है कि किस तरह की समस्याएं उनके सामने यहाँ इस रास्ते को लेकर के आती हैं, यहाँ के जल भराव से होने वाले नुकसान क्या हैं, किस तरह के नुकसान यहाँ लोगों को खेती में भी और आने जाने में भी होते हैं। जबकि अब यहाँ बातचीत करने पर जो देखा गया है कि अब तक तो इसका कोई समाधान नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है किसी ने पहले कोशिश ही ना की हो। अब जो हमारे साथ यहाँ मौजूद है, जनता के बीच में मौजूद है, मोहम्मद इदरीस साहब, जो कि समाज सेवी भी हैं और पूर्व जेल विजिटर हैं, लोगों ने भी काफ़ी उम्मीदें इनसे जताई हैं और आश्वासन भी इन्होंने जनता को पूरा भरपूर भरोसे के साथ दिया है। अब देखना ये है कि आने वाले समय में इस समस्या का समाधान कब तक हो पाएगा और किस तरह से हो पाएगा। मोहम्मद इदरीस साहब अपने दावों और अपनी जिम्मेदारियों पर कितने खरे उतरेंगे, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। बाकी जनता की, जो जनता से हमने बातचीत की है, उससे लग रहा है कि काफ़ी सहयोग जनता का भी है, और इनकी जो मेहनत है और इनका जो प्रयास है, उसे देखकर लगता है कि समय रहते ही इसका जल्द से जल्द समाधान कर दिया जाएगा।